मैं हूं प्रदीप चौरसिया और यह है आप सभी का चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज हम जानेंगे इस वीडियो में जो कैप्सूल होता है, जो मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल या फिर और जो कैप्सूल्स आते हैं, उसमें जो है दो कलर का प्रयोग क्यों किया जाता है और उसमें क्या क्या कैसे होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है ये कैप्सूल है, देख रहे हैं एक ये जो है ब्लैक कलर का है और ये जो है आधा पार्ट इसका वाइट कलर का है। ठीक, तो ये जो होता है दो कलर का प्रयोग क्यों किया जाता है आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ में ये जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, यानी कि जो कैप्सूल का सेल होता है वो किस चीज़ का होता है जो हम पानी के साथ इसको निगल लेते हैं और जाके हमारे शरीर में गल जाता है। देखने में तो प्लास्टिक जैसा दिखता है लेकिन ये वाकई में होता क्या है। तो ये जो पूरा कवर होता है ये बना होता है जिलेटिन या फिर स्टार्च का, जिलेटिन या स्टार्च का बना होता है जो इजिली जो है जाके क्या होता है हमारे शरीर में घुल जाता है, जो हमारे शरीर में जल वगैरह से संपर्क करता है तो ये फिर घुल जाता है। तो यहाँ पे एक इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कंटेनर और इसको बोलते हैं कैप। ठीक, ये जो होता है सबसे पहले इस शेप का होता है, ऐसे ऐसे जो कंटेनर होता है वो बड़ा होता है, कंटेनर जो होता है वो बड़ा होता है और इसमें जो दवा होती है इसी में भरी रहती है। ठीक, और क्या करते हैं, एक दूसरा कवर ऐसे लेके आते हैं, एक दूसरा कवर होता है जिसको कैप बोलते हैं, कैप कैप बोले तो टोपी, ये जो होता है इसको लाके इसी के अंदर घुसा के इसको जो बंद कर देते हैं तो ये ऐसे फिर ऐसे बंद हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा, ये ऐसे बंद हो गया। ठीक, अब ये वाला पार्ट जो था ये ब्लैक पार्ट था, ये था कंटेनर, ये बड़ा पार्ट था, ये लगभग यहाँ तक था। ठीक, ये जो है पूरा इसको ढक लेता है। और इसके कलर की बात करें कि इसका जो है, देखे होंगे आप जो कैप्सूल होता है वो दो ही कलर का होता है, यानी कि प्रत्येक कैप्सूल में दो कलर प्रयोग क्यों किया जाता है। तो दो कलर प्रयोग करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि जो वर्कर्स होते हैं उनको पहचानने में प्रॉब्लम ना हो कि कैप कौन सा है और कंटेनर कौन सा है, यानी कि किसमें दवा भरनी है और उसका ढक्कन कौन सा होगा, इसलिए जो है इसमें दो कलर का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि जो कैप्सूल का आवरण होता है, कैप्सूल का जो कवर होता है और कंटेनर होता है वो बना होता है स्टार्च या जिलेटिन का। ठीक है, इसमें दो पार्ट होता है, एक कंटेनर होता है जिसमें दवा भरी होती है, दवा भरने के बाद एक दूसरा पार्ट होता है जिसको कैप बोलते हैं, कैप लगा के इस कंटेनर को बंद कर देते हैं ताकि जो दवा होती है वो बाहर ना जाने पाए। उसके बाद इसमें कलर का यूज, दो कलर का यूज क्यों किया जाता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि दो कलर का यूज अगर नहीं करेंगे तो जो वर्कर होंगे वो आसानी से नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सा पार्ट इसमें कंटेनर है और कौन सा पार्ट कैप है, अगर नहीं पहचान पाएंगे तो उनको जो है इसको असेंबल करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा, आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, हम जो है आपके लिए इसी तरह प्रतिदिन नए नए वीडियोस के साथ आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थैंक यू।